हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो एज यू गाइस ऑल नो कि वी गाइस आर इन गोवा, हमारी गोवा सीरीज चल रही है इस टाइम पे। कल रात हम लोग जिस टाइम पहुंचे, हम लोगों ने बाइक्स उठाई और बाइक्स उठा के हम लोग डायरेक्टली निकल गए डिनर के लिए। डिनर करके हम लोग गए कैंडोलिम बीच, और कैंडोलिम बीच से वापस आके हम सो चुके थे, थकावट बहुत थी। जैसे मैं उठा हूँ अभी, उठते मैंने अपनी इस प्रॉपर्टी का जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं, तो मैंने सोचा एक बार टूर दे देता हूँ आपको। तो ये है लामेर अपार्टमेंट्स। इसकी प्रॉपर लोकेशन और एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप लोग ऑनलाइन सर्च करके बुकिंग्स के लिए देख सकते हो, या फिर दो कॉन्टेक्ट नंबर्स मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा जिन लोगों ने हमें होस्ट करा था, उन लोगों को आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। ट्रस्ट मी, इतनी ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टी है, किसी तरह की कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई किसी की फालतू कोई डिस्टर्बेंस सॉर्ट ऑफ कुछ भी नहीं है। वाइन ग्लास से लेके बियर ग्लास तक हर एक चीज वहां पे आपको मिल जाएगी। 2 BHK है, ओपन किचन है, लिविंग एरिया है, बालकनी है, और नीचे आपको एक्सेस मिलता है लॉन्च एरिया के लिए, जहां पे कि एक पूल टेबल है, स्विमिंग पूल है, बारबेक्यू है, और अगर आपको फोटोज क्लिक करनी है तो उसके लिए लोकेशन परफेक्ट है। आज का प्लान किसी फोर्ट का है। गोवा में बहुत सारे फेमस फोर्ट्स हैं, मतलब कोई सा भी हो सकता है। पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर बताता हूँ मैं आपको कि कौन से फोर्ट पे जा रहे हैं हम लोग। अपार्टमेंट से निकल के ये व्यू मिलता है, बाहर एक मिरर लगा हुआ है, फोटो वोटो क्लिक करी मैंने, और यहाँ सामने इतने सुंदर तरीके से इन्होंने लैंडस्केपिंग करके रखी है ना। यहाँ से नीचे उतरते ही आपको मिल जाता है एक्सेस स्विमिंग पूल के लिए, पूल टेबल के लिए। अगर आपको बारबेक्यू करना है तो आप यहीं पे कर सकते हो। फोटोग्राफी करनी है, फोटोज क्लिक करनी है, बहुत अच्छा बैकग्राउंड आपको मिलेगा। तो अभी थोड़ी देर हम लोग यहीं पे रुकेंगे, फोटोज करेंगे क्लिक, थोड़ी देर पूल खेलेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इन तीनों में से पूल खेलना नहीं आता है किसी को, तो बस थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड ऐसे ही सब करेंगे और फिर निकलेंगे। साला पूल खेले हुए भी जमाने हो चुके हैं यार। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा ऐसे ही फ्री शॉट्स मार के, क्योंकि खेलना तो आता नहीं था किसी को, किसके साथ, मतलब अगर मैच करते भी तो किसके साथ खेलते। यहाँ पे थोड़ी देर हमने खेला पूल, वीडियोस बनाई, फोटोज क्लिक करे, और अभी लिटरली किसी का यहाँ से हिलने का मन नहीं था, सबको साला फोर्स करके निकाला यहाँ से कि भाई निकल लो, दिन निकल रहा है, जगह बाकी भी घूम गए। विकास कल करेंगे, अभी यहाँ से निकल लो, निकल लो वैसे ही। ये चलता भी है तो ये लगे क्या जी। हम ब्रेकफास्ट कितने बजे, साढ़े ब्रंच हो गया अब तो। क्या हुआ बालों को? नहीं बालों को कुछ नहीं, बालों को कुछ नहीं हुआ, बालों को नहीं हुआ। हेलमेट पहनने में थोड़ी सी मेरे को दिक्कत हुई, क्योंकि मेरे सर का साइज थोड़ा नहीं बड़ा है मेरा सर का साइज। मेरे को अभी ये टेंशन हो रही है कि यार टाइट इतना है कि हेडेक होना ना शुरू हो जाए, और ऊपर से गर्मी इतनी है ना, बजेगी अच्छी तरह से।
ओके, तो हम लोग अभी जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रेकफास्ट नहीं बोल सकते, अब तो ब्रंच हो चुका है वैसे, तो निकलते हुए बहुत ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं। अभी हम लोग जाएंगे उसी जगह, उसी रेस्टोरेंट पे जहाँ पे हमने कल रात डिनर करा था, क्योंकि क्या होता है कि जब आप कभी दूसरी जगह ट्रेवल करते हो तो एक इकलौती कोई ऐसी जगह ज़रूर होती है जहाँ पे आपको खाना बहुत अच्छा लग जाता है, और वही चीज़ हमारे साथ हुई। मेरा सीन क्या है, मैं काफ़ी मतलब किसी से ऐसे ट्राई कर चुका हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम तक मैं न्यूजीलैंड में था। सी फूड की अगर बात करी जाए, सी फूड बहुत खा चुका हूँ मैं पहले, और यहाँ पे मेरे को गोवन फूड ट्राई करना है, जो टिपिकल गोवन फूड होता है ना। तो ये रोड सीधी मतलब अगर पंजम से अगर आप आते हो ना, तो वो कौन सा फिशिंग कंपनी कौन सी है, तो वहाँ से जो सीधी रोड आती है ना, ये कैंडोलिम तक बिल्कुल स्ट्रेट है। वहाँ पे जाके आपको टी पॉइंट मिलेगा, कैंडोलिम जाके वहाँ तक के लिए सीधी रोड है ये। और जिस जगह हम लोग स्टे कर रहे हैं वो मिड पड़ जाता है, मतलब अगर आप पंजम से आते हो तो आपको ये मिड पड़ जाएगा, कैंडोलिम और पंजम के सेंटर में ये प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। अच्छा, विकास भाई को वापस रेज करनी है भाई, मैप्स पे मैंने लगा के रखा, पीछे आ जा। ये देखो यहाँ पे, ये यही जगह थी ना। हाँ, हमें बस में जब हम लोगों ने, मतलब मेरा फर्स्ट व्लॉग जो मैंने अपलोड करा था एपिसोड 1, जिसमें मैंने बोला था कि बस ने हमें काफ़ी दूर उतार दिया था, वहाँ से हमने कैब ली थी, तो वो ये जगह थी। मतलब हमें बाइक से निकले हुए भी कितना टाइम हो चुका है, आप खुद देख सकते हो, बस ने जहाँ पे उतारा था बहुत ज़्यादा दूर थी जगह। मैप्स पे ज़रूर डाल के रखो, और यहाँ से देखते हुए यहीं से हमने सर्च करा था, और यहीं की मैंने फ़ोटो, अगर आपको याद हो इंस्टाग्राम पे मैंने यही फ़ोटो, ये वाले घर की अभी दिखाता हूँ, रुको, यहाँ पे ये फ़ोटो मैंने डाल के रखी है। तो ये चीज़ हुई थी हमारे साथ, यही है नानू, ओ ये पीछे निकल गया यार, एक सेकंड। आगे निकल गए थे, रात को आए थे हम लोग, तो इतना कोई ज्यादा क्लियर इमेज नहीं थी। तो हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली शीतल ढाबा। हो यहाँ पे हम लोग कुछ खा पी के फिर आगे निकलेंगे। और ये कुछ ऐसी जगह है, और एसी डाइनिंग भी है, अगर आपको अंदर बैठ के खाना, आप अंदर भी खा सकते हो, तो प्रॉपर नॉर्थ इंडियन फूड आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ऑर्डर सही टाइम पे मिल जाए, बस भाई रश बहुत ज्यादा है। ओ आई लव यू, आई लव गोवा लिख देते। ओके, तो हम लोग करते हैं ऑर्डर अभी, थोड़ा बहुत ही करता है ये, अपना भाई है विकास, विकास एक बार हाय बोल दे। हेलो, हाय गाइस। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे सामने वापस से, एक एक कोरोना उठाएंगे यहाँ से, और खाने के साथ ही एक एक लेंगे, और गर्मी बहुत है यार। यही मार्केट थी जहाँ पे मेरे को छोटी छोटी कैट्स मिली थी, ये रही। भाई साहब अभी भी सो रही है। आज क्या हुआ इनको, आज तो फोटोग्राफी अलाउड है भाई।
कल रात को तो मेरे को मना कर रहा था, सर फोटो मत क्लिक करो। दारू ही दारू बढ़िया भाई, दारू 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 दारू। ये वापस है अपनी फेवरेट वाली। ग्लेनमोरेंज कैसे आराम से सो रही है यार, मतलब पहले से आदत है क्या? ओ भाई उठा दूं क्या? नहीं नहीं सोया। अच्छा तो आराम से सोते रह जाते हैं। चलो देर पानी है यार, बेनिफिट्स ऊपर से ज्यादा है। पहले ये जो मिथ क्रिएट करके रखे ना लोगों ने, हमारे क्या नहीं करा, निचोड़ा नहीं, निचोड़ना थोड़ी होता, थोड़ा सा दो दो। हाँ तो वो अपने आप हो जाएगा ना, फोकस कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग सीधा निकलेंगे एगोडा फोर्ट के लिए। यहाँ से कुछ 15-20 मिनट की राइड दिखा रहा है, बीच में कहीं नहीं रुकेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। जितनी भी जल्दी पॉसिबल हो सकता है हम सीधा फोर्ट पे जाके रुकेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, वीडियोज़ को सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि एज आई ऑलवेज से आपका एक सिंगल क्लिक हमारे लिए बहुत मैटर करता है।